Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with a new topic, that is voucher of standard 11 GSAB board accounting accounting subject chapter 2. Okay, अब vouchers मतलब क्या होते हैं? Vouchers सबसे primary document होते हैं, सबसे main document होते हैं, जिसे transactions के recording करते हैं, जिसकी वजह से पूरा accounting end तक जाता है. वाउचर से सबसे स्टार्टिंग चीज होती है, वाउचर सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, जिसकी वजह से अपन ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उसको बाइफोगेट कर पाते हैं, उसको पर्टिकुलर लेजर्स में डाल पाते हैं एंड अल्टीमेटली पूरी अकाउंटिंग होती है. तो वाउचर्स क्या है? वाउचर्स मतलब बिल, रिसिप्ट जो बोलते हैं अपन, कोई भी चीज का बिल. जैसे अगर अपन ने कोई परचेज किया उसका बिल, कोई सेल्स किया उसका बिल, कुछ चीज का एक्सपेंस दिया है, पेमेंट किया है, एक्सपेंस दिया जो पेमेंट करते हैं ना, किसी चीज का इनकम रिसीव किया है, हर चीज को जो बिल होते हैं, बिल को देख के पता चलता है किस चीज का बिल है एंड उसके हिसाब से अपन ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. सब परचेज को एक साइड कर सकते हैं, सब सेल्स को एक साइड कर सकते हैं, सब इनकम, सब एक्सपेंस, या एक्सपेंस में रेंट के जितने भी बिल्स है सब एक साइड कर सकते हैं, कमीशन के जितने भी बिल्स है सब एक साइड कर सकते हैं. तो ये क्या होता है? वाउचर्स. वाउचर्स मतलब बिल्स. बिल्स पे क्या क्या रिकॉर्ड होता है? बिल्स पे डेट लिखी होती है, जिसने दिया जिसने लिया दोनों के नाम और एड्रेसेस, सबसे पहले डेट लिखी होती है, जिसने दिया जिसने लिया दोनों के नाम और एड्रेसेस, दोनों की सिग्नेचर, ठीक है, फिर और कितने अमाउंट का बिल है, कि कौन सी चीज का बिल है, ये सब डिटेल्स इसके अंदर ऑलरेडी दी हुई है. ओके, कंपोनेंट्स बोलते हैं. अब किस पहले कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं. मैंने डेट ऑलरेडी बोल दिया, नेम एंड एड्रेस ऑफ द वाउचर इश्यूड, नेम इश्यू ऑफ एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द वाउचर रिसिपेंट या रिसीवर, जो भी बोला. सीरियल नंबर ऑफ द वाउचर, वाउचर बुक के अंदर ही सीरियल नंबर्स होते हैं यूजुअली, 1, 2, 3, 4, कौन से नंबर का बिल अभी कटा है, ठीक है, उसको बोलते हैं सीरियल नंबर. सिग्नेचर बोल दिया मैंने ऑलरेडी, अमाउंट बोल दिया, फिगर ऑफ वर्ड्स, दोनों में अमाउंट रिकॉर्ड होता है. टाइप ऑफ वाउचर वो भी मैंने बोल दिया. तो ऑलमोस्ट डिटेल्स मैंने बोल दिया. अदर डिटेल्स किसके अंदर कुछ स्पेसिफिक हो, कितना डिस्काउंट कट करके लिखना हो, तो वो स्पेसिफिक कॉलम्स अगर ऐड करना तो और कर सकते हैं. बाकी मेन चीजें क्या है? डेट, नेम एंड एड्रेस जो दे रहा है, जो रिसीव कर रहा है, साइन दोनों की, उसके बाद अमाउंट इन फिगर्स एंड वर्ड्स, उसके बाद जो अदर डिटेल्स है, टाइप कौन सा है वाउचर का, वो क्लियर है. अब कौन कौन से टाइप के वाउचर्स होते हैं ये भी मैंने थोड़ा ब्रीफ में तो बताया, लेकिन एक बार नाम बोल दो सबके. सेल्स परचेस. क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट मतलब क्या होता है? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये क्या होता है? कभी भी अपन कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं, हो सकता है ना वो गुड्स में कोई डैमेज हो या कुछ भी रीजन हो, उसकी वजह से मैं गुड्स रिटर्न कर रही हूँ वापिस. गुड्स को रिटर्न करना या गुड्स वापिस रिटर्न लेना, मतलब जिसको अपन ने सेल किया वो अपन को रिटर्न करेगा, जिससे अपन ने परचेस किया अपन उसको रिटर्न करेंगे. तो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट क्या होता है? जो भी गुड्स अपन ने परचेस किया या सेल किया उनको रिटर्न, गुड्स रिटर्न को बोलते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. तो रिटर्न के लिए अलग जो वाउचर्स बनते हैं उसको बोलते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. क्लियर है? काउंटरफॉल ऑफ चेक. डेबिट नोट किसका होता है? डेबिट परचेस अपन डेबिट करते हैं, परचेस अपन डेबिट करते हैं तो डेबिट नोट होता है परचेस रिटर्न का. क्रेडिट सेल्स अपन क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट नोट होता है सेल्स रिटर्न का. इतना क्लियर है? काउंटरफॉल ऑफ चेक. काउंटरफॉल ऑफ चेक क्या होता है? एविडेंस है, मतलब एक स्लिप है जिससे पता चल रहा है कि अपन ने कैश विदड्रॉ किया है बैंक से. काउंटरफॉल ऑफ चेक क्या है? मतलब पता है चेक अपन यूजुअली ना देते फाड़ते हैं कैश विदड्रॉ करने के लिए, तो बाजू में छोटी सी स्लिप्स होती है, या अपन एटीएम में से पैसा निकालते हैं तो एक तुमको पूछते हैं कि तुमको रिटर्न स्लिप चाहिए कि नहीं चाहिए. ये सब होते हैं काउंटरफॉल्स ऑफ चेक, मतलब बैंक से रिसिप्ट मिलती है कि तुमने पैसा विड्रॉ किया. क्लियर है? पे इन स्लिप. वाउचर यूज टू डिपॉजिट कैश इन बैंक. अगर अपन को कैश डिपॉजिट करना है बैंक में तो जो स्लिप मिलती है उसको बोलते हैं पे इन स्लिप. ये जो विड्रॉवल की थी वो पहले वाला था, ये है अपन पैसा भर रहे बैंक में उसकी स्लिप. क्लियर है? रिसिप्ट इशूड, रिसिप्ट रिसीव्ड, मतलब कोई भी चीज अपन पैसा इशू कर रहे, मतलब पैसा दे रहे तो उसकी रिसिप्ट, पैसा ले रहे उसकी रिसिप्ट, हर चीज एक्सपेंस बिल पर, मतलब कोई भी एक्सपेंस पे कर रहे तो अपन को उसके लिए बिल मिलेगा. अगर मैं रेंट पे करे तो आगे वाला मुझे रिसिप्ट काट के देगा ना कि रेंट पे किया. अगर तुम लोग मुझे फीस दे तो मैं तुमको रिसिप्ट कट करके देती हूँ ना कि हाँ ये मंथ की फीस तुमने मुझे पे कर लिया, सिक्स मंथ की फीस तुमने मुझे पे कर लिया. क्लियर है? तो ये सब टाइप्स ऑफ वाउचर्स है. क्लियर है एकदम? वाउचर्स एकदम इजी है. वाउचर्स क्या है? प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट स्टेप है जिसे ट्रांजेक्शन अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं. बिटवीन टू पार्टीज जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैसे पता चलते हैं? वाउचर क्या होता है? बिल्स.
हर इंसान अपन कुछ भी पेमेंट करे तो बिल काट के देगा, वो वाउचर क्लियर है, वो परचेज हो, सेल हो, परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, कोई एक्सपेंस पे किया, कोई बैंक में पैसा भरा, बैंक से पैसा निकाला, किसी को पैसा दिया, तो ये सब चीजों के लिए स्लिप जो मिलती है वो स्लिप से अपन ट्रांजेक्शन को बाइक को गेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपन पूरी अकाउंटिंग उसके बेसिस पे चलती है। क्लियर है? अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन से पहले मैं टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन बताना जाऊंगी, ठीक है? अब ना इसके अंदर ना इलस्ट्रेशन जो थर्ड है वो ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन के बेस्ड है, लेकिन उसके पहले मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर करूंगी, फिर ड्यूअल इफेक्ट, ये जो इलस्ट्रेशन थर्ड में बाद में एक्सप्लेन करूंगी, इलस्ट्रेशन 4-5 में पहले एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर है? अब टाइप ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, अभी मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट, दैट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, पर्सनल इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टी का नाम या कोई भी इंसान का नाम, जब भी कोई इंसान या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कोई ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो, आइदर बिजनेस के लिए या बिजनेस उनके लिए हेल्पफुल है, समझ आया? अगर कोई पार्टी, कोई इंसान बिजनेस को कुछ दे रहा है या बिजनेस उनको कुछ दे रहा है, तो वो जो भी अगर कोई पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगी तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर बिजनेस को कुछ दे रहा है, वो बिजनेस से कुछ ले रहा है, तो उसके अंदर वो पार्टी इन्वॉल्व है। अगर वो पार्टी इन्वॉल्व है या कोई पर्सन इन्वॉल्व है तो उसको बोलते हैं पर्सनल। पर्सनल अकाउंट कैसे रिकॉग्नाइज करें, कोई भी पार्टी या इंसान का नाम अगर स्टेटमेंट में है मतलब वो पर्सनल अकाउंट है। अगर कोई भी पार्टी का नाम या कोई भी इंसान का नाम या कोई ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूट का, किसी का भी नाम इन्वॉल्व है तो फिर क्या करेंगे, वो चीज क्या रिकॉग्नाइज होगी एज अ पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल में क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। बहुत सिंपल एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रियल मतलब क्या होता है, रियल में अगेन दो होते हैं, दैट इज कैश एंड एसेट, कैश एंड एसेट। अगर तुमको बरोबर से दिख नहीं रहा है तो तुम लोग टेक्स्ट बुक में भी देखना, सेम टेबल दी हुई है। क्लियर है? ओके, अब रियल के अंदर क्या होता है, कैश एंड एसेट। कैश कोई भी वजह से जा रहा है या कोई भी वजह से आ रहा है, या एसेट कोई भी वजह से जा रही है या कोई भी वजह से आ रही है, तो उसको बोलते हैं, सॉरी कैश नहीं, गुड्स, गुड्स एंड एसेट, सॉरी गुड्स एंड एसेट। गुड्स कोई भी वजह से जा रहे हैं। अब गुड्स क्या होता है, बिजनेस जिससे डील करता है, बिजनेस जिस चीज को परचेस करता है बेचने के लिए, सेल करने के लिए, उसको बोलते हैं गुड्स। तुम लोग को एसेट, एसेट क्या होता है, एसेट इज नॉट सेम एज गुड्स, क्योंकि एसेट वो चीज होती है जिससे बिजनेस प्रोग्रेस कर सकता है, बिजनेस को हेल्प मिलती है अपने ट्रांजेक्शंस करने के लिए, एंड गुड्स जो वो लोग परचेस करते हैं बेचने के लिए नहीं, लेकिन गुड्स वो लोग परचेस करते हैं स्पेसिफिकली बेचने के लिए। अब किसी बिजनेस के लिए फर्नीचर एसेट होती है, लेकिन जिसका फर्नीचर का ही बिजनेस है उनके लिए फर्नीचर गुड्स हो जाता है। किसी इंसान के लिए एसी, एसी मेरे कन्वीनियंसी के लिए अच्छा है, मेरे मैं पूरे दिन बिजनेस में अच्छे से बैठ कर दुकान पर अच्छे से बैठ के काम कर सकता, तो एसी मेरे कन्वीनियंसी के लिए, मेरे बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए, तो एसी मेरे लिए एसेट हुआ। लेकिन सोचो मेरा एसी का ही बिजनेस है तो मेरे लिए एसी क्या हुआ, गुड्स। अगर जिस चीज का बिजनेस है, मतलब मैं जो एसी परचेज कर रही हूँ सेल करने के लिए, तो उसके लिए एसी गुड्स है। लेकिन जो इंसान एक या दो एसी लगा रहा है फॉर द पार्ट ऑफ द कन्वीनियंसी, तो उसके लिए एसी एसेट है। क्लियर है एकदम? ओके, तो गुड्स जा रहा है आ रहा है, मतलब परचेस कर रहे हैं अपन या सेल कर रहे हैं, या परचेस रिटर्न हो रहा है या सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो उसको वो भी रियल अकाउंट में आएगा। अगर एसेट परचेस कर रहे हैं, एसेट सेल कर रहे हैं, एसेट का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो वो भी रियल अकाउंट में आएगा। क्लियर? ये दोनों के लिए अपन क्या लिखेंगे, रियल अकाउंट। नाउ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, कोई भी एक्सपेंस कोई भी इनकम खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी, भले वो एक्सपेंस कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम के रिलेटेड कुछ भी हो तो वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम के रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। इतना क्लियर हो गया? ओके, एक और बात बोलते, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या आएगा, पर्सनल इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर अगेन दो आएंगे, दैट इज गुड्स, सॉरी पर्सनल इम्पर्सनल में अगेन दो आएंगे, दैट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में अगेन दो आएंगे, दैट इज
गुड्स एंड एसेट एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस एंड इनकम, एक्सपेंस एंड इनकम। इधर तक क्लियर हो गया। अब इसे रिलेटेड अपन सम्स करेंगे, इलस्ट्रेशन 5 एंड इलस्ट्रेशन 6 जो बहुत लेंदी है बट इजी और फास्ट हो जाएगा। क्लियर एकदम? एक बार ये बोर्ड पे गो थ्रू कर दो टेबल। सबसे पहला क्या है, अगेन अपन पहले उस जैसे अपन ने लास्ट दो इलस्ट्रेशन में चार्ट बनाया था वैसे अपन चार्ट बना देंगे इसके अंदर भी। क्लियर है? मैं नेम ऑफ द अकाउंट के बदले सीरियल नंबर लिखूंगी, ठीक है? ये सीरियल नंबर का हो गया, ये टाइप ऑफ अकाउंट एंड ये एक्सप्लेनेशन। सीरियल नंबर तुमको नेम ऑफ द अकाउंट लिखना कंपल्सरी है। क्लियर है? टाइप ऑफ अकाउंट एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, इलस्ट्रेशन 4। सबसे पहला क्या है, नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट, इंस्टीट्यूशन का नाम है, कॉलेज का नाम है नवजीवन। नाम दे दिया मतलब क्या हो गया, पर्सनल। नाम दे दिया मतलब पर्सनल। अब अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज के नाम हो तो उसके लिए अपन लिखेंगे लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। रीजन में क्या लिखेंगे कि लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। तो सबसे पहला क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट। रीजन में आएगा लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। तुम लोग मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान देना कंपेयर टू बोर्ड, बिकॉज जो मैं लिख रही हूं वो ऑलरेडी तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर है। तो मेरी बातों को ज्यादा फोकस करना कि मैं बोल कैसे रही हूँ, एक्सप्लेन क्या कर रही हूँ, बोर्ड पे पूरे टाइम ध्यान मत देना। क्लियर है? तो किसी इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन का या नाम हो, इंसान का नाम हो तो पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो उसके अंदर भी पर्सनल में भी, तो उसके अंदर अपन लिखेंगे लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर एकदम? नेक्स्ट, कैश अकाउंट, सॉरी ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब मैं ड्राइंग अकाउंट का कंसेप्ट तुम लोग को बताना भूल गई थी। ड्राइंग अकाउंट ऑलवेज पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ओनर अपने पर्सनल रीजंस के लिए पैसे लेके जा रहा है उसको बोलते हैं ड्राइंग। पर्सनल एक्सपेंस के लिए आप घर के घर खर्च बोलते हैं, अपन हिंदी में घर खर्च बोलते हैं, वो होता है ड्राइंग। तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे लेके जा रहा है बिजनेस है, वो होता है ड्राइंग। तो ये किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? इट डिस्क्लोजेस पर्टिकुलर अबाउट विथड्रॉवल डन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। सेकेंड, ड्रॉइंग्स किया जाएगा पर्सनल अकाउंट, विथड्रॉवल बाय ओनर ऑफ बिजनेस। ठीक है? ओके, थर्ड, कैश अकाउंट। क्लियर है? कैश क्या है, कैश एसेट है, कैश अपना करंट एसेट है। तो कैश अकाउंट किस में जाएगा, रियल अकाउंट। कैश अकाउंट किस में जाएगा, रियल अकाउंट। एसेट या गुड्स हो तो वो किस में जाएगा, रियल अकाउंट। मैंने क्या बोला, कैश क्या है, कैश इज करंट एसेट ऑफ बिजनेस। कैश क्या है, करंट एसेट ऑफ बिजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, डोनेशन अकाउंट। अपन डोनेशन दे रहे हैं, अपन डोनेशन दे रहे, डोनेशन अपने लिए क्या होगा, एक्सपेंस। अपन किधर डोनेशन दे रहे तो अपना खर्चा हुआ ना ये, तो खर्चा क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस किस में जाता है, एक्सपेंस हो या इनकम हो, नॉमिनल अकाउंट। जैसे जैसे तो तुम ये पूरा इलस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे ना, फिफ्थ तुम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए सोचना पड़ रहा है, फिफ्थ में धड़ 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 फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब डोनेशन क्या हुआ मेरे लिए, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस मेरा किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट, डोनेशन इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, डोनेशन इज बिजनेस एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ बिजनेस कुछ भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्या होती है,
इधर किधर भी नहीं बोला कि ओनर का मशीनरी का बिजनेस, अगर होता तो ओनर मशीनरी नहीं गुड्स लिखता। तो मशीनरी अकाउंट अपने लिए क्या हुआ, एसेट, एंड एसेट अपना किस में जाता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट लिखेंगे अपन, क्लियर है। एंड मशीनरी, अब मशीनरी किस टाइप की एसेट है, नॉन करंट एसेट है, इज नॉन करंट एसेट ऑफ बिजनेस। कैश में जैसे अपन ने करंट एसेट लिखा, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म। सिक्स, लैंड अकाउंट। लैंड तो अपने लिए एसेट ही होगा, बट ऑफ इस लैंड बिल्डिंग क्या होता है, एसेट होता है, क्योंकि लैंड का कोई बिजनेस कर रहे होते तो उसको गुड्स लिखते, क्लियर है। कोई भी चीज का बिजनेस करते तो उसको गुड्स लिखते, पर्टिकुलर एसेट का नाम नहीं लिखते। अगर पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखा है मतलब वो अपने लिए गुड्स नहीं, वो अपने लिए एसेट है। एंड एसेट किस में जाएगा, रियल अकाउंट। लैंड अकाउंट, सॉरी, लैंड अकाउंट अपने लिए क्या है, रियल अकाउंट। लैंड इज अ नॉन करेंट एसेट, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म रहता है। ओके, नेक्स्ट सेवन, राज मेडिकल स्टोर अकाउंट। इंसान का मेडिकल स्टोर का नाम है राज मेडिकल स्टोर अकाउंट, राज मेडिकल स्टोर अकाउंट। ऑब्वियसली इंसान का नाम है, पर्सनल अकाउंट आएगा, ठीक है। और इंसान का नाम तो है राज, लेकिन वो स्टोर का नाम मेन है, तो वो इंस्टीट्यूशन का नाम हुआ तो क्या हो गया, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। राज एक भले इंसान का नाम हुआ, लेकिन राज मेडिकल स्टोर एक दुकान का नाम है, दुकान का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो क्या होगा, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। तो क्या होगा, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। ये पर्सनल अकाउंट हो गया, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, एट, सैलरी अकाउंट। सैलरी मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस, बट ऑब्वियस सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, किसको सैलरी दे रहे, तो सैलरी क्या हो गया, एक्सपेंस। एक्सपेंस किधर होता है, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी इज बिजनेस एक्सपेंस। ओके, कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज है ना, एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, इनवर्ड हो के आउटवर्ड, लेकिन कैरेज इनवर्ड क्या होता है, ट्रेडिंग एक्सपेंस। एंड कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, ट्रेडिंग एक्सपेंस। एंड कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, जो पीएनएल में रिकॉर्ड होते हैं, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में रिकॉर्ड होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होती है, ये सब क्या होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये तुमको अभी समझ नहीं आएगा, बिकॉज तुम्हारा पार्ट टू भी जब कंप्लीट होने वाला होगा तब तुमको फाइनल अकाउंट आएगा। तो खाली इतना समझ लो, कैरेज इनवर्ड हो कि आउटवर्ड, दोनों एक्सपेंस ही होता है बिजनेस के लिए। कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड, दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट, कैरेज इनवर्ड इज बिजनेस एक्सपेंस, क्लियर है। टेंथ वाला, फर्नीचर अकाउंट। अगेन फर्नीचर अपने लिए क्या है, फर्नीचर अपने लिए क्या है, एसेट है। और एसेट किस में जाता है, रियल अकाउंट में जाता है। रियल अकाउंट, फर्नीचर इज नॉन करंट एसेट ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कैरेज आउटवर्ड। अभी दो मिनट पहले मैंने बोला कैरेज इनवर्ड वर्ड आया, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड दोनों एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। तो कैरेज आउटवर्ड क्या हुआ, एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, एंड एक्सपेंस इज नॉमिनल अकाउंट। सो कैरेज आउटवर्ड इज बिजनेस एक्सपेंस, क्लियर है। नाउ 12th, स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अपने लिए क्या होती है, ऑब्वियसली स्टेशनरी अपने लिए एक्सपेंस होगा। अब स्टेशनरी डिपेंड करता है, स्टेशनरी एक्सपेंस भी हो सकता है एंड स्टेशनरी अपने लिए एसेट भी हो सकती है। क्यों, किसी किसी की आदत होती है दो तीन साल का या एक साल का स्टॉक एक साथ रखने का, एक साल का होता है। अब स्टेशनरी स्टॉक वर्ड लिखे ना तो स्टेशनरी एसेट होती है, स्टेशनरी स्टॉक एसेट होता है। ओनली स्टेशनरी वर्ड यूज किया होता है वो एक्सपेंस हो जाएगा।
किसी ने अगर स्टेशनरी स्टॉक वर्ड लिखा, मतलब क्या वो एक साल से ज्यादा तक स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी स्टॉक एसेट होता है, लेकिन ओनली स्टेशनरी बोला हो तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो एक्सपेंस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, स्टेशनरी इज बिजनेस एक्सपेंस। क्लियर है? क्या बोला है? स्टेशनरी, पर मैं फिर भी चेक करें तुम्हारे वालों ने क्या लिखा है। हाँ, एक्सपेंस ही लिखा है, स्टेशनरी इज बिजनेस एक्सपेंस। क्लियर है इधर तक? नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? वेजेस, वेजेस सैलरी जैसा होता है, वेजेस भी ट्रेडिंग एक्सपेंस एंड सैलरी पेरोल एक्सपेंस, जैसे अपने कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज, लेकिन होता दोनों एक्सपेंस ही है। तो अभी तक के लिए अपन को क्या ध्यान रखना है कि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है एंड एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? तो वेजेस अपने लिए एक्सपेंस है, तो वो क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट, वेजेस इज बिजनेस एक्सपेंस। क्लियर है? नेक्स्ट, ये चैप्टर ना इतना एग्जाम में नहीं पूछते, बट ये चैप्टर नहीं समझाना तो नेक्स्ट कोई चैप्टर समझ नहीं आएगा। इतना समझ आएगा, ये चैप्टर एग्जाम में इतना नहीं पूछा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट, बेसिक जो रूल्स होते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे 11th स्टैंडर्ड का, क्योंकि इसके अंदर अगर नहीं समझ आया तो आगे पूरा अकाउंट समझ नहीं आएगा। इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, कॉपीराइट अकाउंट। मैंने पहले ही बोला था, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट। एंड इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? नॉन करेंट एसेट। एंड एसेट अल्टीमेटली क्या होता है? रियल अकाउंट। सो क्या था? कॉपीराइट, कॉपीराइट इज नॉन करेंट एसेट। कॉपीराइट अपने क्या है? नॉन करेंट के साथ क्या लिख देने का? इनटेंजिबल, नॉन करेंट इनटेंजिबल एसेट, नॉन करेंट इनटेंजिबल एसेट। क्लियर है इधर तक? नेक्स्ट 15th, ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव भी होगा, लेकिन कॉमन सेंस क्या बोलता है? अगर पे किया मतलब अपना एक्सपेंस हुआ तो अपन ने पे किया, रिसीव किया मतलब अपने लिए इनकम है, कोई चीज में पैसा मिल रहा है तो इनकम होगी, पैसा जा रहा है। पेड, जब भी पेड वर्ड लिखा हो तो मतलब क्या? एक्सपेंस। जब भी रिसीव वर्ड लिखा हो तो इनकम। क्लियर है? तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या हुआ? इनकम, इनकम नॉमिनल, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज बिजनेस इनकम। क्लियर है इधर तक? 16th, ओके, यूनियन बैंक अकाउंट। यूनियन बैंक अकाउंट, बैंक का नाम है यूनियन बैंक, यूनियन बैंक अकाउंट बैंक का नाम है, बैंक का नाम मतलब कोई इंस्टीट्यूशन का नाम है, तो अपन क्या करेंगे? कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम मतलब पर्सनल अकाउंट, नाम है मतलब पर्सनल अकाउंट, इंस्टीट्यूशन का नाम है, कोई इंसान का नाम नहीं है, मतलब लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। पहले तो क्या आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट, बिकॉज नाम दे दिया है। फिर आ जाएगा लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है इधर तक? 1 to 16 मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, एक और बार मैं बोलती हूँ, फटाफट सुनना। नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी नाम है तो पर्सनल अकाउंट, एंड इंस्टीट्यूशन का नाम है इसलिए आएगा लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। रीजन में क्या आएगा? लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग पर्सनल यूज के लिए जो पैसा लेते हैं उसको बोलते हैं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट, बिकॉज इट इज अ विड्रॉवल ऑफ द बिजनेस, विड्रॉवल फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द ओनर। ओके, कैश अकाउंट, कैश इज अ करंट एसेट ऑफ द बिजनेस, सो एसेट मतलब रियल अकाउंट, एंड रीजन आएगा कैश इज अ करंट एसेट ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? डोनेशन, डोनेशन इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, एक्सपेंस है मतलब नॉमिनल अकाउंट, डोनेशन इज बिजनेस एक्सपेंस। क्लियर? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी इज द एसेट ऑफ द बिजनेस, एसेट ऑफ द बिजनेस दैट इज रियल अकाउंट, रीजन में आएगा मशीनरी इज नॉन करंट एसेट ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? क्योंकि अपन मशीनरी परचेस करते तो एक साल में बेचने का इंटेंशन से नहीं परचेस करते। लैंड अकाउंट, लैंड अकाउंट ऑब्वियसली नॉन करंट एसेट ऑफ द बिजनेस, तो रियल अकाउंट में जाएगा। राज मेडिकल स्टोर्स अकाउंट, मेडिकल स्टोर का नाम है राज मेडिकल स्टोर अकाउंट, कोई पर्टिकुलर शॉप का नाम है तो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, एंड नाम है इसलिए पर्सनल अकाउंट में जाएगा। सैलरी अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, नॉमिनल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड हो गया आउटवर्ड, दोनों एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस है, दोनों नॉमिनल में जाएंगे।
फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर एसेट ऑफ द बिजनेस है तो रियल अकाउंट, और एसेट कौन सा नॉन करंट एसेट है, स्टेशनरी स्टेशनरी स्टॉक हो तो एसेट हो जाएगा, लेकिन स्टेशनरी खाली वर्ड यूज किया तो एक्सपेंस होगा, तो स्टेशनरी इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस तो किसमें जाएगा नॉमिनल अकाउंट। वेजेस, अगेन वेजेस इज अ एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, सैलरी कैसा होता है वैसा ही वेजेस होता है, तो वेजेस इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस सो वापिस नॉमिनल अकाउंट। कॉपीराइट, कॉपीराइट इज इनटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस, इनटेंजिबल एसेट मतलब जिसको देख नहीं सकते टच नहीं कर सकते लेकिन उसकी वैल्यू होती है बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। अब इनटेंजिबल एसेट है मतलब वो किसमें जाएगा रियल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कोई भी चीज रिसीव कर रहे मतलब पैसा मिल रहा है मतलब क्या हो गया इनकम, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। ओके, यूनियन बैंक अकाउंट, इंस्टीट्यूशन बैंक का नाम दे दिया है, बैंक एक लीगल इंस्टीट्यूशन, कोई इंसान नहीं है तो उसके नाम को, नाम है इसलिए पर्सनल में जाएगा लेकिन उसके नाम को क्या रीजन देंगे लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है, एक बार बोर्ड पर देख लो। ओके नेक्स्ट, सीरियल नंबर टाइप ऑफ अकाउंट एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके, 16 पे अपन ने स्टॉप किया था, नाउ 17 रेंट पेड अकाउंट, पेड मींस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस होगा तो नॉमिनल अकाउंट। 17 नॉमिनल अकाउंट, रेंट इज बिजनेस एक्सपेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 रिलायंस शेयर्स अकाउंट, रिलायंस के शेयर्स अपने लिए क्या होते हैं एसेट होता है, रिलायंस के शेयर भले हुए लेकिन शेयर्स अपने लिए क्या होता है एसेट होता है। तो मैं मतलब मैम ये तो अपने इंस्टीट्यूशन का नाम है ना रिलायंस तो पर्सनल जाएगा, नहीं कोई पर्टिकुलर बिजनेस के शेयर्स अपने लिए वो अपने लिए एसेट है, वो पर्टिकुलर बिजनेस का नाम नहीं लिखा है वो शेयर्स का नाम लिखा है, तो शेयर्स आर द एसेट ऑफ द बिजनेस, करंट एसेट ऑफ द बिजनेस। सो 18 क्या होगा रियल अकाउंट, शेयर्स करंट एसेट ऑफ बिजनेस। फिर भी मैं एक बार तुम्हारी बुक में क्या रीजन दिया वो देख लेती हूँ, रियल अकाउंट ही दिया है एंड इस एसेट ऑफ द बिजनेस ही दिया है। क्लियर है, ओके। नाउ डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा, अपन को फायदा हुआ है, अपन को फायदा हुआ मतलब क्या हो गया इनकम, अपन को फायदा हुआ मतलब क्या हो गया इनकम, इनकम कितना जाता है नॉमिनल अकाउंट 19 नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड इज बिजनेस इनकम। क्लियर है, 20 अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, अहमदाबाद में अब इधर का जो ब्रांच है वो अहमदाबाद में भी है, अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट तो उसका क्या आएगा, कोई ब्रांच का नाम दे दिया ये, मैं अगर बोलूं राज मेडिकल स्टोर या अहमदाबाद के ब्रांच का नाम बोल रही हूँ तो अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट वो मेडिकल स्टोर समझो, एग्जांपल बोल रही हूँ मैं कि पर्टिकुलर कोई जगह का नाम ही है ना अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट तो वो इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया उन लोगों ने अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, तो इसको नाम की तरह कंसिडर करेंगे और पर्सनल में जाने देंगे, ठीक है, और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन लिखेंगे क्योंकि वो इंसान का नाम अहमदाबाद में ही है। क्लियर है, तो पर्सनल अकाउंट एंड लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। ये चैप्टर से अकाउंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड काफी ज्यादा हेल्पफुल है 12th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, अगर अकाउंट नहीं समझोगे अभी का तो 12th में कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट
बेड डेट अकाउंट. मैंने बेड डेट लास्ट चैप्टर में समझाया था. बेड डेट मतलब क्या होता है, अपन बिजनेस में सेल्स करते हैं क्रेडिट के ऊपर. जिसको क्रेडिट सेल्स करते हैं वो इंसान के पैसे देने बाकी, उसको अपन डेटर्स बोलते हैं. एंड वो डेटर्स अगर कोई भी रीजन से पैसे नहीं दे पाए तो अपने पैसे पूरे पानी में, तो अपने पैसे नहीं मिल पाएंगे. जो नहीं मिल पाए ना पैसे, उसको क्या बोलते हैं, अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया आगे वाला पर्सन. इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, डूब गई है पार्टी. ठीक है, तो अपने पैसे नहीं मिलने वाला. अगर अपने पैसे नहीं मिलेंगे तो अपना क्या हो गया, उतने पैसों का बैड डेट. तो बैड डेट बिजनेस के लिए क्या हुआ, बैड डेट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस, इट इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. तो लॉस भी एक्सपेंस की तरह ही कंसिडरेशन किया जाएगा. सो बैड डेट भी क्या होगा, एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. सो बैड डेट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट. बैड डेट इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, सो नॉमिनल अकाउंट. बैड डेट इज बिजनेस लॉस. बैड डेट एक्चुअली एक्सपेंस नहीं है, उसका ट्रीटमेंट एक्सपेंस की तरह होता है, वो एक्चुअली है लॉस ऑफ द बिजनेस. एक बार फिर भी तुम्हारे इधर देख लेते हो कि बैड डेट को क्या ट्रीटमेंट दिया है. ओके, बिजनेस लॉस ही दिया है. ठीक है, ओके. कर्णावटी क्लब अकाउंट. कोई क्लब का नाम दे दिया, इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया है, ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट. एंड इंसान का नाम नहीं है तो क्या आएगा, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. क्या आएगा, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. तो पर्सनल अकाउंट, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. क्लियर है, तक 22 हो गया. नाउ 23, डेटर्स अकाउंट. डेटर्स बिजनेस के लिए क्या है, करंट एसेट है, पैसे आने वाले फ्यूचर डेट पे, तो करंट एसेट है. तो डेटर्स क्या हो गया, पर्सनल सॉरी रियल अकाउंट. लेकिन डेटर्स भले रियल अकाउंट होता है, भले एसेट होता है बिजनेस के लिए, लेकिन डेटर्स को अपन पर्सनल अकाउंट वाला ट्रीटमेंट देते हैं. मुझे पता ही था कि बुक में भी यही ट्रीटमेंट रहेगा. डेटर्स को पर्सनल अकाउंट वाला, कोई भी डेटर हो तो वो डेटर को अपन डेटर अकाउंट के लिए, उस इंसान का नाम लिखते हैं. अभी क्वेश्चन में कभी भी ऐसा लिखा हो कि राहुल हैज सोल्ड 2000 गुड्स ऑफ 2000 ऑन क्रेडिट टू मोहिनी, तो मोहिनी का नाम लिखेंगे, मोहिनी का नाम लिखेंगे, डेटर्स वर्ड नहीं लिखेंगे. डेटर्स मतलब क्या होता है, वो जितने भी लोगों को दिया उन सबका टोटल होता है डेटर्स. लेकिन डेटर्स का पर्टिकुलर नाम लिखते हैं तो वो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स विल ऑलवेज बी पर्सनल अकाउंट, दो दे आर द करंट एसेट ऑफ द बिजनेस. ये ट्विस्ट समझ लेना, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर द करंट एसेट ऑफ द बिजनेस एंड करंट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. दो दे आर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, दे आर ट्रीटेड एज द पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन और इंस्टीट्यूशन. ओके, सो पर्सनल अकाउंट. ओके, अब है ना, इधर बोला नहीं है कि डेटर किसी इंसान का नाम है इंस्टीट्यूशन. डेटर में इंस्टीट्यूशन का नाम भी इंक्लूड हो सकता है. तो मैं एक बार के लिए क्या लिखूंगी, आइदर इट कैन बी अ पर्सन या डायरेक्टली पर्सन पर्सन और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, गुड्स इज ऑन क्रेडिट, तो इट कैन बी अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन और इट कैन बी अ नॉर्मल पर्सन. ठीक है, अगर मैं सिर्फ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन लिखूंगा तो भी चलेगा. क्लियर है, एकदम क्लियर है. 24, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल अकाउंट. मैंने क्या बोला था, गुड्स रिसीव्ड एज सैंपल विल बी नॉमिनल नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. बट गुड्स अगर अपन दे रहे हैं सैंपल तो अपना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो जाएगा. एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या चला गया, वो नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, लेकिन 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 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल अकाउंट, तो गुड्स जा रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट से ज्यादा भार वो गुड्स के ऊपर है, तो अपन उस चीज का ट्रीटमेंट रियल अकाउंट के अंदर देंगे. क्लियर है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है सैंपल को अपन किधर लिखेंगे, रियल अकाउंट. लेकिन इसके अंदर काफी बुक्स के अंदर पर्सनल अकाउंट दिया है, काफी बुक्स इसके अंदर रियल, मतलब जीएसबी की बुक के अंदर तो नॉमिनल अकाउंट के दिया, जो मैंने सबसे पहले बोला कि नॉमिनल अकाउंट आएगा बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज एन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. लेकिन काफी दूसरी सीबीएसई बोर्ड की बुक्स के अंदर इस चीज को एसेट की तरह ट्रीटमेंट भी दिया है, बिकॉज गुड्स जा रहा है ऐसा कंसिडर किया गया है.
सो उसको रियल अकाउंट में निकाले, लेकिन अपने जीएसटी बोर्ड के हिसाब से अपन उसको नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही ट्रीटमेंट देंगे। एक्सप्लेनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये चीज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी क्यों है, नॉमिनल अकाउंट में क्यों लिखा है, उसका भी बहुत क्लियर एग्जांपल है, पार्टियां बिठाया नहीं है। बिकॉज गुड्स अगर अपन सैंपल की तरह दे रहे तो ऐसे ही वेस्ट करने के लिए नहीं दे रहे, उसकी एडवर्टीजमेंट मार्केट में हो इसके लिए अपन सैंपल दे के आते ताकि अपन को उससे ऑर्डर्स मिले, तो वो अपने लिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस अगेन इज अ नॉमिनल अकाउंट। सो गुड डिस्ट्रीब्यूटर इज अ फिर सैंपल क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। ओके, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, इट इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। ओके, नाउ 25th क्रेडिटर्स अकाउंट। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था डेटर्स हो या क्रेडिटर्स किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो क्रेडिटर्स किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, अगर डेटर हो तो लिख देना गुड्स इज सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर्स हो तो लिख देना गुड्स इज परचेस ऑन क्रेडिट, क्लियर है इतना। ओके, नेक्स्ट 26th, एक बार बोर्ड पे जब तक गो थ्रू कर दो। फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट, क्वेश्चन के अंदर ही डायरेक्टली एक्सपेंस वर्ड यूज कर लिया, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। फैक्ट्री एक्सपेंस इज बिजनेस एक्सपेंस। नीलम बेन्स अकाउंट, नीलम बेन कौन हो गई, इंसान का नाम हो गया, इंसान का नाम कहां जाएगा, पर्सनल अकाउंट। नीलम बेन कौन है, इंसान है, इंसान का नाम कहां जाएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, पर्सनल, लेकिन ये कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं, कोई इंसान का नाम है, जब इंसान का नाम है तो अपन क्या लिखेंगे, नेचुरल पर्सन। इंसान का नाम है तो अपन क्या लिखेंगे, नेचुरल पर्सन, क्या लिखेंगे, नीलम बेन। जब भी कोई इंसान का नाम आएगा तो लिखेंगे नीलम बेन या कोई भी नाम, इज नेचुरल पर्सन। नेचुरल मतलब वो रियल में इंसान है, और इंस्टीट्यूशन का नाम मतलब वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब वो इंसान का नाम नहीं लेकिन वो इंस्टीट्यूशन का नाम है, क्लियर है। 28th डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट मैंने क्या बोला था, एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस होता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, बिजनेस एक्सपेंस, जैसे बैड डेट होता है वैसे ही डिप्रिसिएशन होता है, लेकिन वो एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश, खाली डेप्रिसिएशन इज बिजनेस एक्सपेंस लिखोगे तो भी चलेगा, या डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश बिजनेस एक्सपेंस लिखोगे तो भी चलेगा। 29th गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट, गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट, गुजरात गवर्नमेंट क्या हो गई, नाम हो गया, गुजरात गवर्नमेंट क्या हो गया, नाम, नाम हो गया तो किधर जाएगा, पर्सनल अकाउंट, नाम किधर जाएगा, पर्सनल अकाउंट। और ये ऑब्वियसली लीगल आर्टिफिशियल पर्सन होगा, गुजरात किसका नाम, इंसान का नाम तो हो नहीं सकता, तो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट मिला, रिसीव वर्ड हुआ मतलब क्या हो गया, ये इनकम, इनकम किसमें जाता है, नॉमिनल अकाउंट, किसमें जाता है, नॉमिनल अकाउंट। तो बैंक इंटरेस्ट इज बिजनेस इनकम। 31 गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट अकाउंट, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट अकाउंट किसमें जाएगा, अगेन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है तो किसमें जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट इज बिजनेस एक्सपेंस, क्लियर है। 31 हो गया, अब आएगा 32, दैट इज डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। अगेन कुछ मिल रहा है, रिसीव्ड मतलब इनकम हो गया, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट, तो डिविडेंड रिसीव कहां जाएगा,
nominal account, dividend received is business income. डिविडेंड रिसीव क्या हो गया? बिजनेस के लिए इनकम हो गया. ओके, कमीशन रिसीव रिकॉल करवा देते, बिकॉज सिमिलर है. रिसीव हुआ मतलब इनकम है, नॉमिनल अकाउंट आएगा एंड कमीशन रिसीव इज बिजनेस इनकम. क्लियर है? चलो एक और बार वापस अपन देखेंगे 17 से. 17th वाला क्वेश्चन क्या हो गया? 17th वाला क्वेश्चन अपने लिए क्या है? रेंट पेड, पे किया मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस होगा तो रियल अकाउंट. रिलायंस शेयर्स, भले नाम है लेकिन शेयर्स अपने लिए एसेट होता है. कोई कंपनी के शेयर्स अपने लिए तो वो अपने लिए करंट एसेट या नॉन करंट एसेट्स होंगे. तो अपन क्या लिखेंगे? रिलायंस शेयर इज द एसेट ऑफ द बिजनेस. मैंने क्या लिखा है? शेयर्स हाँ, करंट एसेट, नॉन करंट भी हो सकता है तो मत लिखना, खाली एसेट्स ऑफ बिजनेस लिख देना. क्योंकि हो सकता है कि अपन ने इन्वेस्टमेंट पर्पज से एसेट ली हो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते. तो एसेट्स ऑफ द बिजनेस, एसेट्स शेयर्स आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. ओके, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. रिसीव्ड मीन्स इनकम, इनकम मीन्स नॉमिनल अकाउंट. अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, अहमदाबाद में जो ब्रांच है तो ये क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. Bad debt account, bad debt is a loss of the business. Loss is given the same treatment as of the expense of the business. So bad debt account is the loss of the business, so it will be treated as the nominal account. Karnavati club account, Karnavati club naam de diya. Personal account, legal artificial person. Debtors account, debtors and creditors, again though the they are the current asset and the current liability of the business, they will be treated as the पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ एनी पार्टी हुम वी आर ट्रांजेक्शन, हुम वी आर डूइंग ट्रांजेक्शन विद. ओके, सो डेटर्स एंड क्रिएटर्स कौन है जिसके अपन ट्रांजेक्शन करते हैं आइदर परचेज और सेल का, तो उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स एंड क्रिएटर्स. दो दे आर द करंट एसेट एंड द करंट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो भी अपन उसको पर्सनल अकाउंट के द्वारा ट्रेड करेंगे बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द नेम ऑफ द पर्सन और द लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, दैट इज द इंस्टीट्यूशन, शॉप नेम और एनीथिंग एल्स. ओके, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल अकाउंट. दो गुड्स जा रहे हैं बट तो भी अपन इसको एज एन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कंसिडर करके नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे. क्लियर है? क्रेडिटर्स अकाउंट मैंने पहले ही बोला, पर्सनल अकाउंट. फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, नॉमिनल अकाउंट. नीलम बेन अकाउंट, नीलम बेन इज अ नेम ऑफ द पर्सन, नेचुरल पर्सन, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं है तो ये पर्सनल अकाउंट एंड इट इज नीलम बेन इज अ नेचुरल पर्सन. ओके, depreciation, depreciation is a non-cash expense, expense means nominal account. Gujarat government account, Gujarat government that is name of the institution, legal artificial person, so Gujarat government will be personal account and legal artificial person will be the reason. Receive bank interest account, bank interest receive हुआ है, bank interest अगर receive हुआ है मतलब अपने लिए income है, income है मतलब nominal account. Goods given for advertisement account, advertisement again is an expense, so it will be a nominal account. Dividend receive income, so nominal account. Commission receive again an income, business income, so nominal account. Now, next, dividend receive, commission receive, दोनों हो गया. अभी goodwill से अपन करेंगे, एक बार go through कर दो फिर मैं wrap करूं. ओके, सीरियल नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट एंड एक्सप्लेनेशन द सेम पार्ट. ओके, अपने लास्ट जॉब किया था कमीशन रिसीव द गुडविल अकाउंट, गुडविल दैट इज 34 नंबर. अब गुडविल अपने लिए क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट. गुडविल अपने लिए क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट. तो इनटेंजिबल एसेट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली एसेट ऑफ द बिजनेस, लॉन्ग टर्म एसेट दैट इज नॉन करेंट एसेट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो अपन इनटेंजिबल वर्ड भी लिख सकते हैं. ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं? इनटेंजिबल वर्ड भी लिख सकते हैं. तो अपन ये गुडविल के लिए बिजनेस एसेट, एसेट मतलब रियल अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट. गुडविल इज
इनटेंजिबल एसेट गुडविल इज नॉन करंट इनटेंजिबल एसेट. नॉन करंट के दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल. उसके अंदर इनटेंजिबल में आता है गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब. क्लियर है? 35. कमीशन अलाउड, कोई चीज अलाउड कर रहे हैं मतलब एक्सपेंस हो गई, रिसीव कर रहे हैं मतलब इनकम. अलाउ व्हाट यूज हुआ मतलब क्या हो गया, कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड, ये सब क्या हो गया, एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. तो क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट, कमीशन अलाउ इज बिजनेस एक्सपेंस. क्लियर है? 36. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट का ट्रीटमेंट और बिल पेएबल का ट्रीटमेंट हमेशा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स जैसा रहता है. तो बिल रिसीवेबल को डेटर्स जैसा मानेंगे, तो डेटर्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट. तो बिल रिसीवेबल क्या लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट. ठीक है, इसके अंदर भी क्या लिखेंगे, लीगल, आर्टिफिशियल, या ऐसा भी लिख सकते हो, बिल रिसीवेबल इज रिसीवेबल ऑफ बिजनेस. बिल रिसीवेबल इज रिसीवेबल ऑफ बिजनेस. 37. डिस्काउंट अलाउड, अगेन मैंने बोला कि कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड, तीनों का ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. सो नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउ इज बिजनेस एक्सपेंस. ओके, 38. स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अपने लिए क्या हुआ, गुड्स एसेट हुआ ना. स्टॉक अपने लिए क्या होता है, स्टॉक अकाउंट. तो स्टॉक अकाउंट अपने लिए क्या होता है, एसेट ऑफ द बिजनेस. सो रियल अकाउंट, गुड्स अपन जो स्टोर करके रखते हैं, जो स्टॉक हो जाता है, नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. तो स्टॉक अपने लिए क्या होता है, एसेट ऑफ द बिजनेस. सो स्टॉक इज करंट एसेट ऑफ बिजनेस. ओके, 39. कैपिटल अकाउंट, जैसे ड्रॉइंग अकाउंट पर्सनल होता है, वैसे कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल होगा. ड्रॉइंग का ओनर अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए पैसे लेके जा रहा है, एंड कैपिटल ओनर अपने पर्सनल फंड में से पैसे बिजनेस के लिए लेके आ रहा है. ओनर अपने पर्सनल फंड में से बिजनेस के लिए पैसे लेके जा आ रहा है, उसको बोलते हैं, पैसे लेके आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट. पैसे लेके आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, बिकॉज ओनर अपने पर्सनल में से पैसे लेके आ रहा है. क्लियर है? ओके, कैपिटल इज ओनर्स फंड. ओके, 40. परचेस अकाउंट, परचेस किस चीज का होता है, परचेस सेल गुड्स का होता है. तो रियल अकाउंट, परचेस ऑफ गुड्स इज एसेट ऑफ बिजनेस. परचेस ऑफ गुड्स इज एसेट ऑफ बिजनेस. ओके, परचेस क्या हुआ, गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स इफेक्ट हो रहा है, इसलिए रियल अकाउंट में जाएगा. इतना क्लियर है? एक और बार समझा देती हूँ, जस्ट अ मिनट. ओके, सो अपन ने किधर से स्टार्ट किया, 34, दैट इज क्वेश्चन क्या, 34 का. गुडविल अकाउंट, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस. नॉन करंट के अंदर जो इनटेंजिबल, मतलब जिसको अपन देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, गुडविल वो होता है जो उसमें बिजनेस में जिसकी वैल्यू होती है, लेकिन जिसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस. सो किसमें जाएगा, एसेट है मतलब रियल अकाउंट. कमीशन अलाउड, कोई भी चीज अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड, कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, तो वो क्या जाएगा, एक्सपेंस, एज एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा, तो नॉमिनल अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल है जैसा बिल रिसीवेबल, जैसा डेटर्स को ट्रीटमेंट देते, सेम ट्रीटमेंट बिल रिसीवेबल को देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, अपन डेटर्स को क्या ट्रीटमेंट देते हैं, पर्सनल का ट्रीटमेंट देते हैं, तो बिल रिसीवेबल भी पर्सनल की तरह ट्रीट हो जाएगा. ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, मैंने पहले ही बताया, कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड, तीनों तीन एक्सपेंस है, तो किसमें जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट.
बिजनेस में जो भी अपन स्टॉक लेके आ रहे हो बच गया लेके नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रहे क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक इन सबको क्या बोलते हैं जो मतलब अपने को 31st का स्टॉक निकालना है पापा लोग वर्ड बोलते 31st को कितना मतलब बिजनेस के अंदर 31st को लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कितना गुड्स पड़ा है उनका उसको बोलते स्टॉक जो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड होता है ठीक है तो स्टॉक क्या हो गया करंट एसेट ऑफ द बिजनेस तो एसेट है तो रियल अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट कैपिटल बिजनेस खुद के पर्सनल पैसे बिजनेस के अंदर लेके आता है तो पर्सनल अकाउंट हो गया ओके परचेस अकाउंट परचेस मतलब गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहे गुड्स बिजनेस के लिए आ रहे तो क्या हो जाएगा वो गुड्स इफेक्ट हो रहे तो रियल अकाउंट क्लियर है इधर तक तो अपन ने अभी क्या किया इलस्ट्रेशन 4 कंप्लीट किया ओके एक बार बोर्ड पे गो थ्रू कर दो ओके इतना समझ आ गया इलस्ट्रेशन 5 भी उतना ही बड़ा है बट मैं इलस्ट्रेशन 5 पूरा लिख के नहीं करवाना चाहती इलस्ट्रेशन 4 में काफी मैंने लिख के करवा दिया तो इलस्ट्रेशन 5 मैं रीड करके एक्सप्लेन करके पूरा कंप्लीट करती हूँ ओके सो इलस्ट्रेशन 5 में सबसे पहला इसमें काफी कॉमन आएंगे जो अपन ने पिछले इलस्ट्रेशन के अंदर कर ली है ठीक है इलस्ट्रेशन 5 बिल रिसीवेबल अकाउंट बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा मैंने क्या बोला बिल रिसीवेबल क्या होगा डेटर की तरह ट्रीटमेंट मतलब पर्सनल अकाउंट एंड बिल रिसीवेबल इज द रिसीवेबल ऑफ द बिजनेस वैल्यू एडेड टैक्स अकाउंट ये न्यू है टैक्स है ना इनकम टैक्स के सिवाय बाकी सब टैक्स है ना एक्सपेंस की तरह कंसिडर किए जाएंगे इनकम टैक्स के सिवाय बाकी सब टैक्स जो है वो एक्सपेंस की तरह कंसिडर किए जाएंगे तो वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज वैट तो वैट को अपन क्या ट्रीटमेंट देंगे एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस दैट इज नॉमिनल अकाउंट तो वैट को अपन क्या बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट तो रीजन में क्या लिखेंगे वैल्यू एडेड टैक्स इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस क्लियर है ओके बिल्स पेएबल अकाउंट बिल्स पेएबल का ट्रीटमेंट किसकी तरह करना है क्रेडिटर्स की तरह करना है तो क्रेडिटर्स की तरह करना है तो कौन सा ट्रीटमेंट हुआ पर्सनल अकाउंट क्लियर डेटर्स क्रेडिटर्स बिल रिसीवेबल बिल पेएबल चारों चार पर्सनल में जाएगा क्लियर है और सेम रीजन जैसे रिसीवेबल था वैसे पेएबल बिल पेएबल इज अ पेएबल ऑफ बिजनेस क्लियर है ना नेक्स्ट बीजल्स अकाउंट नाम है नेचुरल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट बीजल इज अ नेचुरल पर्सन ओके क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट स्टॉक इज अ रियल एसेट क्लोजिंग स्टॉक हो दोनों सेम ट्रीटमेंट होता है स्टॉक इज द एसेट ऑफ द बिजनेस और वो किसमें जाएगा रियल अकाउंट में ओके हिमानीज अकाउंट नाम है नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट हिमानीज अ नेचुरल पर्सन पेटेंट अकाउंट पेटेंट इज इनटेंजिबल एसेट तो रियल अकाउंट पेटेंट इज द नॉन करंट इनटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस पेटेंट इज अ नॉन करंट इनटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट बैंक का नाम है तो पर्सनल अकाउंट लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इंस्टीट्यूशन का बैंक का नाम है कोई इंसान का नाम नहीं है अगर इंसान का नाम नहीं हो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन लिखते हैं अपन ठीक है बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है बैंक में अपनी इमेज अच्छी है काफी टाइम से अपने बैलेंस अच्छी रही लेकिन कोई कोई टाइम पे कभी ऐसा होता है ना कि अपन ने कोई चेक दे दिया कुछ दे दिया एंड बैंक में इनफ बैलेंस नहीं है उसको देने के लिए पैसे तो बैंक क्या बोलेगी चलो तुम्हारी तुम लोग मुझे बाद में पे कर देना थोड़े टर्म का टाइम देंगे कि मुझे बाद में पे कर देना उसके ऊपर फिर तुमको मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मैं फ्री में तुमको नहीं देने वाला हूँ तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बैंक ने थोड़े टाइम के लिए एक्स्ट्रा बैलेंस दे दिया है ओनर को मतलब जो बैंक बैलेंस जो बैंक में जिसका अकाउंट है अकाउंट होल्डर को एक्स्ट्रा बैलेंस दिया ट्रांजेक्शन करने के लिए एंड थोड़े टाइम के बाद उसको बैंक बैलेंस वापिस रिटर्न करना है विथ इंटरेस्ट क्लियर है तो जो दिया है उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट तो कर्जा लिया है इंसान ने बैंक से कर्जा लिया है तो क्या हो गया लायबिलिटी हो गया क्या हो गया लायबिलिटी हो गया अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है पर्सनल अकाउंट क्योंकि लायबिलिटी हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है कोई भी टाइप की लायबिलिटी क्या हो जाएगी पर्सनल अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा पर्सनल अकाउंट आर एल एन पांड्या हाई स्कूल अकाउंट मतलब क्या हो गया इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया तो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन पर्सनल अकाउंट लीगल आर्टिफिशियल पर्सन पेटी कैश अकाउंट पेटी कैश मतलब क्या होता है कि थोड़े जो पर्टिकुलर अमाउंट दे देते हैं कि तुमको इसमें से छोटे मोटे खर्चे निकालने पेटी कैश क्या होता है छोटे मोटा खर्चा निकालने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं कैश का तो जैसे कैश का ट्रीटमेंट होता है सेम पेटी कैश का होता है तो क्या हो जाएगा एसेट ऑफ द बिजनेस तो रियल अकाउंट तो पेटी कैश किस में जाएगा रियल अकाउंट एसेट ऑफ द बिजनेस गुजरात यूनिवर्सिटी अकाउंट पर्सनल अकाउंट लीगल आर्टिफिशियल पर्सन यूनिवर्सिटी का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट अपने लिए क्या होगा
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ड्रॉइंग अपने लिए क्या है? अपन पैसा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखना, इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं. तो बिजनेस में से इंसान पैसा लेके जाता है तो वो इंटरेस्ट को पैसा, वो बिजनेस को पैसा देगा तो अपने लिए क्या होगा? इनकम होगी. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या होती है? इनकम. तो क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, और उसको इनकम मानेंगे, एक्सपेंस नहीं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो वो एक्सपेंस होते हैं. क्यों एक्सपेंस होते हैं? बिकॉज कैपिटल ना बिजनेस इंसान से ले रहा है, तो बिजनेस को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. पे करना पड़ेगा मतलब एक्सपेंस हो गया. ड्रॉइंग बिजनेस इंसान को दे रहा है तो इंसान को उस पर पे करना पड़ेगा, तो बिजनेस को तो मिलेगा ना. तो ड्रॉइंग का इंटरेस्ट क्या हो गया? इनकम. एंड कैपिटल का इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सपेंस. ओके, टाटा कंपनी अकाउंट, कंपनी का नाम है. पर्सनल अकाउंट, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है. ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट होता है, वो इनकम होता है, तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट. शेयर ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट, मैंने पहले ही बोला था, किसी के भी शेयर हो वो क्या होता है? बिजनेस के लिए एसेट होता है. एंड एसेट वो करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है. तो सिर्फ एसेट लिखो, करंट या नॉन करंट का वर्ड मत लिखो. तो शेयर ऑफ टाटा कंपनी इज द एसेट ऑफ द बिजनेस, रियल अकाउंट. लोन बोरोड अकाउंट, मैंने क्या बोला? लोन अपन ने बोरो किया है. बोरो किया मतलब कर्जा लिया है. कर्जा मतलब क्या होगा? अपनी लायबिलिटी होगी. लायबिलिटी जो भी होगा वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा. जितनी भी टाइप की लायबिलिटी हो पर्सनल अकाउंट में जाएगा. डिबेंचर ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट, डिबेंचर अगेन एक एसेट है बिजनेस के लिए. डिबेंचर किसी और के लिए, अगर खुद के डिबेंचर किसी को दिए तो लायबिलिटी होती है, लेकिन किसी और के डिबेंचर लेना अपने लिए एसेट होता है. अब किसी और के, वो कैसे पता चला? नाम लिखा है ना आगे कंपनी का, तो अपनी कंपनी तो नहीं होगी. अपनी कंपनी होता तो सिर्फ डिबेंचर अकाउंट लिखा होता है. सिर्फ डिबेंचर होता है मतलब खुद की कंपनी के डिबेंचर किसी और को दिए. किसी और कंपनी का नाम डिबेंचर के होता है मतलब डिबेंचर किसी और कंपनी का लिया है. अगर किसी और कंपनी का लिया है तो अपने लिए क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा. तो क्या हो गया? रियल अकाउंट. लोन बोरोड हो गया अपना, डिबेंचर भी हो गया. इंटरेस्ट पेड अकाउंट, इंटरेस्ट पेड मतलब एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट. इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव मतलब इनकम, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब क्या होता है? अगर अपने कोई पॉलिसी ली है तो हर अपन को हर साल या हर छह महीने या हर तीन महीने थोड़े थोड़े टर्म में अपन को थोड़ा थोड़ा अमाउंट उन वो पॉलिसी के लिए देना पड़ता है. क्लियर है? तो वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया. अपन ने अगर कोई पॉलिसी ली है तो उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है हर थोड़े थोड़े टाइम में. तो ही तो जब कुछ अनहोनी होगी तो वो लोग अपन को यूज अमाउंट देंगे. वो लोग फ्री में तो अपने लेंगे नहीं, अपन कुछ तो पे करते होंगे. तो जो अमाउंट पे करते हैं अपन उसको इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं. जो अपन इंश्योरेंस कंपनी को पे करें वो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है. तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. तो किसमें जाएगा? नॉमिनल अकाउंट. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम. बैड डेट रिटर्न, अब बैड डेट एक लॉस है बिजनेस का, तो बैड डेट रिटर्न क्या होगा? ऑब्वियसली इनकम. अगर बैड डेट हो गया लॉस, अब बैड डेट हो गया लेकिन उस इंसान के पास थोड़े टाइम के वापस पैसा आ गया, तो उसने क्या बोला? चलो मैं तुमको वापस पैसा रिटर्न कर दूंगा, मेरे पास अभी थोड़ा कोई बिजनेस स्टार्ट किया है उससे पैसा आ गया, तो उसको अभी धोखा नहीं देना. तो उसने पुराने जितना का भी बैड डेट किया था सबको वापस पैसा रिटर्न कर दिया. तो मेरे पास पैसा वापस रिटर्न आया एक बार बैड डेट हो गया, तो मैं उसको क्या कंसिडर करूंगी? इनकम ऑफ द बिजनेस. ऑफिस एक्सपेंस, वर्ड ही बोल रहे एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट. सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? मेरा ड्यू हो गया. ड्यू हो गया मतलब मैं हर महीने के एंड में पैसे देती हूँ, तो मेरी डेट आ गई पैसे देने के लिए, लेकिन मैंने अभी तक दिए नहीं है, तो मुझे कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना उसको. तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, मतलब पे करना अभी तक बाकी है, पेंडिंग है. पेंडिंग है मतलब क्या हो गया? अपन को पैसा देना बाकी है, देना बाकी है. लायबिलिटी हो गई एक तरफ से, अगर मुझे पैसा देना बाकी है मतलब मेरे पे कर्ज चढ़ गया. कर्ज चढ़ गया मतलब क्या हो गया? लायबिलिटी हो गई. लायबिलिटी क्या होता है? पर्सनल अकाउंट. ठीक है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट. इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. क्लियर है? सेल्स एक्सपेंस अकाउंट, क्लियरली एक्सपेंस वर्ड यूज किया, नॉमिनल अकाउंट. रेंट पेबल, अब पेबल मतलब भी आउटस्टैंडिंग ही होता है, पेबल वर्ड भी आउटस्टैंडिंग होता है. तो क्या हो गया? लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट. वेजेस पेबल अगेन आउटस्टैंडिंग, मतलब पेबल और आउटस्टैंडिंग एक जैसा ही होता है, सेम मीनिंग पेबल एंड आउटस्टैंडिंग. तो जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, जो भी एक्सपेंस पे करने बाकी है, वो सब लायबिलिटी कंसिडर की जाएगी एंड वो सब पर्सनल अकाउंट में जाएगा. यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी का नाम है. लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट. रेलवे फ्राइट अकाउंट, रेलवे फ्राइट क्या होता है? एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. रेलवे फ्राइट क्या होता है? एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस और नॉमिनल अकाउंट. ऑक्ट्रॉय भी एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस और नॉमिनल अकाउंट.
मशीनरी रिपेयरिंग अकाउंट, रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस होता है, कोई भी चीज को रिपेयर करवाना है बिजनेस का, मशीनरी रिपेयर, व्हीकल रिपेयरिंग एक्सपेंस, कोई भी, ये सब एक्सपेंस माने जाते हैं तो नॉमिनल अकाउंट। व्हीकल अकाउंट, व्हीकल बिजनेस में क्या है, एसेट है बिजनेस के लिए, व्हीकल बिजनेस के लिए एसेट है, तो व्हीकल बिजनेस में एसेट है तो व्हीकल किसमें जाएगा, रियल अकाउंट। डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, रिसीव्ड हो रहा है, इनकम हो गया, इनकम हो गया तो किसमें जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। इनकम टैक्स, मैंने पहले भी बोला था कोई भी टाइप के टैक्स एक्सेप्ट इनकम टैक्स, तो कोई भी टाइप के टैक्स नॉमिनल में जाएंगे एज एक्सपेंस, लेकिन इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट ड्रॉइंग की तरह होता है, इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट ड्रॉइंग की तरह होता है क्योंकि वो पर्सनल इनकम पर टैक्स माना जाता है, तो इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट ड्रॉइंग की तरह, ड्रॉइंग किसमें जाता है, पर्सनल अकाउंट, तो इनकम टैक्स का भी किसमें जाएगा, पर्सनल अकाउंट, तो इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर माना जाएगा। रामा बेन्स अकाउंट, नेचुरल पर्सन, पर्सनल अकाउंट। वसानी ब्रदर्स अकाउंट, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, एक फर्म का नाम है वसानी ब्रदर्स, तो भी पर्सनल अकाउंट तो होगा लेकिन लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। जसानीज अकाउंट, जसानी एक नेचुरल इंसान का नाम है तो पर्सनल अकाउंट, इट इज जसानी इज अ नेचुरल पर्सन। वसानी भी नेचुरल पर्सन तो वो भी पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन। कमीशन रिसीव्ड, अगेन इनकम ऑफ द पर्सन, इनकम ऑफ द बिजनेस, तो नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड इज इनकम ऑफ द बिजनेस, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, ये सब अपन ने कर लिया। नेक्स्ट, स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट। स्टॉक मैंने पहले ही बोला था, लास्ट क्वेश्चन में आया था स्टेशनरी, तभी भी मैंने समझाया था कि स्टेशनरी का अगर स्टॉक होता तो वो रियल में जाएगा, एंड ओनली स्टेशनरी आएगा तो एक्सपेंस मान के नॉमिनल में जाएगा, तो स्टेशनरी स्टॉक रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट मतलब एसेट ऑफ द बिजनेस। सेल्स अकाउंट रियल अकाउंट, बिकॉज वाइस जैसे परचेस का ट्रीटमेंट आएगा सेम ट्रीटमेंट सेल्स का, बिकॉज गुड्स जा रहा है, ठीक है, तो ड्यू टू द सेल्स गुड्स डिक्रीजेस फ्रॉम द बिजनेस, तो गुड्स का ट्रीटमेंट किसमें जाता है, रियल अकाउंट में जाता है। सेल्स रिटर्न, अगेन सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, परचेस एंड सेल, ये चारों चीजें गुड्स के आने जाने के ट्रीटमेंट है, इसके लिए वो सब रियल अकाउंट में जाएंगे। परचेस रिटर्न, अगेन मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें गुड्स आ रहे जा रहे, वो जो परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चारों चार रियल अकाउंट में जाएंगे, बिकॉज उससे गुड्स इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। परचेस अकाउंट वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस हुआ ना बिजनेस में, तो वो क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज ये एक्सपेंस के तरह ट्रीटमेंट करते लॉस का, ठीक है। अब मैंने पूरा इलस्ट्रेशन 4 एंड पूरा इलस्ट्रेशन 5 के 40-40 अराउंड क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करवाए, ये पूरा मुझे होमवर्क में चाहिए, एंड डिटेल में अच्छे से पढ़ना इस चीज को, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक कंसेप्ट 11 स्टैंडर्ड में जो आएगा, लेटर पूरे अकाउंटिंग की स्टडीज, पूरे कॉमर्स फील्ड में सेम कंसेप्ट फॉलो होने वाले, सो इस चीज को लाइटली मत लेना, एंड बहुत अच्छे से करना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। चलो, गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस टॉपिक, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।